आई डोंट नो उन्होंने क्या देखा मुझ में एंड ही रियली लाइक मी. सो थैंक यू सो मच. विदाउट सीइंग माय ऑडिशन ही वाज वाउचिंग फॉर मी. सो थैंक यू सर. आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल एंड मैं दिल से बोल रही हूँ ये. मैंने कभी भी इनको नहीं बोला है खुद से, क्योंकि अब हम इतने अच्छे दोस्त हैं कि मुझे अजीब लगता है ये सब बोलना. और फिर तब इन्होंने मुझे बताया कि ये रणवीर सिंह की फिल्म है. तब मुझे पता चला कि इसकी भी तारीफ नहीं करती मैं. मैंने इसका सता सता के हाल किया ना, परेशान किया. मैं बहुत परेशान करता हूँ. न्यू कमर है ना यार, थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत में रैगिंग तो होनी चाहिए ना. इसने बहुत प्यार दिया है मुझे. तब मुझे पता चला कि रणवीर की फिल्म है और मैं बिलीव ही नहीं कर पाई कि इस फिल्म के लिए ये ऑडिशन दिया, जो मुझे सबसे गंदा ऑडिशन लगा अपनी लाइफ का, और वो रणवीर सिंह की फिल्म है. देन मुझे टाइम लगा थोड़ा सिंग करने में. उसके बाद मैं दिव्यांग से मिली और दिव्यांग से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा. जैसे अगेन मैं स्क्रिप्ट पढ़ के दिव्यांग से मिली थी और स्क्रिप्ट ऐसी है कि आपको अगेन जैसे उसने कहा, हंसाती है, रुलाती है, सब कुछ फील कराती है. आप हंसते हो, आप टियर्स के साथ स्माइल करते हो, आप खुश होते हो, आप रोते हो, आप सारे इमोशंस एक साथ फील कर रहे होते हो. और ये आदमी इतना एम्पथेटिक आदमी है खुद ही कि मैं इससे मिली और आई वाज सो हैप्पी कि आई एम गोइंग टू बी वर्किंग अंडर समबडी हु इज सो एम्पथेटिक. और ही वाज अ न्यू कमर विद सो मच एनर्जी एंड आई वाज सो हैप्पी. एंड देन आई मेट रणवीर. और मैंने रणवीर को कभी नहीं बोला है ये, क्योंकि उसको लगेगा बहुत. बता दे कैसे देखते ही बेहोश हो गई तू. मैं कोई बेहोश नहीं हुई थी, बट मैं ब्लैंक हो गई थी, क्योंकि वो आया और मुझे लगा हाय बोलेंगे. वो आया आते 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 ही हग मी और मैं ब्लैंक, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ ना कि इट वॉज रणवीर सिंह एंड आई एम डूइंग अ फिल्म विद रणवीर सिंह एंड ही इज हगिंग मी एंड आई हैव बीन अ फैन ऑफ रणवीर सिंस. पहली बार सुन रहा हूँ. सिंस बैंड बाजा बारात. ओ वाओ यार. सिंस बैंड बाजा बारात. एक बात बताऊं, मेरा पहला ऑडिशन माइंड ब्लोइंग था. तू अपना देख. मुझे वो मुझे इसका देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, इतनी माइंड ब्लोइंग थी यार. देखो सर, ऑडिशन नहीं देखा सर. कमाल है.